दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम है अरुण प्रभु देसाई। ट्रैकिंग टेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने आपको दो दिन पहले प्रॉमिस किया था मैं करने वाला हूं OnePlus 6 का कैमरा और Asus Zenfone 5Z का कैमरा का कंपैरिजन, और ये जो वीडियो है एग्जैक्टली वही है। डिटेल में हर मोड में हम करने वाले हैं फोटोज के कंपैरिजन, OnePlus 6 के खींचे हुए और Zenfone 5Z के खींचे हुए। एंड तक देखिए क्योंकि वर्डिक्ट में आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा कैमरा ज्यादा अच्छा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ऐसे और वीडियोस मिलने के लिए और ट्रैकिंग टेक फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का हमारे फीचर्ड कमेंटर है केतन कसियानी। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले फोटो की तरफ। जी हाँ, ये नॉर्मल कंडीशन में आउटडोर में खींचा हुआ फोटो है, प्लांट्स देख रहे हैं और कलर देखिए, ये वाला ग्रीन OnePlus 6 का लेफ्ट हैंड साइड में और जो Asus Zenfone 5Z का ग्रीन है टोटली अलग है, और जो क्लोजर टू रियलिटी है वो है OnePlus 6। शार्पनेस के मामले में दोनों भी बहुत अच्छी तरह से आए हुए हैं। और दोस्तों दूसरा जो फोटो है ये भी आउटडोर नॉर्मली है, लेकिन मुझे स्काई का निकालना था, क्लाउडी स्काई था, वाइट था, तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली नहीं आएगा क्योंकि नीचे भी जो ग्रीन लीव्स हैं और फिर कॉन्ट्रास्ट में ऊपर का जो स्काई है वो नियरली ग्रे और वाइट है, ये निकालना था। और इसमें अगेन OnePlus 6 आप देख सकते हैं एटलीस्ट जो स्काई है वो थोड़ा ग्रेइश दिख रहा है, लेकिन Asus Zenfone 5Z में टोटल वॉश आउट हो गया है, कंप्लीट वाइट दिख रहा है, ओवर एक्सपोज हो गया है। और डिटेल्स भी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो लीव्स के डिटेल्स हैं वो ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर है, वो भी ठीक ठाक तरीके से आया हुआ है। और शार्पनेस के मामले में ठीक है, सिर्फ कलर रिप्रोडक्शन जो है मुझे लगता है OnePlus 6 का ज्यादा अच्छा है। उसी फोटो को हमने निकाला HDR में और इसमें जो है Asus Zenfone 5Z ने अच्छा काम किया। देखिए उसका जो स्काई है पहले वॉश्ड आउट था वो अब ग्रेइश हो गया, डार्क हो गया और लीव्स भी थोड़े ब्राइट हो गए। सरप्राइजिंगली OnePlus 6 में कुछ भी मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं गिरा, इनफैक्ट राइट हैंड साइड पर अगर देखेंगे तो उधर एक्चुअली वॉश आउट लग रहा है मुझे। तो HDR Asus Zenfone 5Z का अच्छा निकल रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो लीव्स के बीच में पार्ट है दोनों भी फोटोज में डार्क एरियाज आए हैं, उसकी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये और एक फोटो मुझे आपको दिखाना था। नीचे अगर OnePlus 6 का देखेंगे, सफेद कार के ऊपर जो पीछे की व्हाइट वॉल है, तो कार और वॉल में आप डिफ्रेंसिएशन कर पाएंगे, लेकिन ऊपर देखिए Asus Zenfone 5Z में अगेन वॉश आउट हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम्स है हमने बहुत सारे फोटो में देखे, जिधर जब व्हाइट होता है कोई भी ब्राइट कलर होता है Asus Zenfone 5Z जो है उसे वॉश आउट कर देता है, तो वो एक प्रॉब्लम जरूर है Zenfone 5Z में। और दोस्तों ये हमने निकाला हुआ है लो लाइट में, आप देख सकते हैं OnePlus 6 अगेन ब्राइटनेस आया हुआ है, क्लैरिटी है, ऊपर मुझे बहुत सारे एरियाज डार्क दिख रहे हैं Zenfone 5Z में, बट ओवरऑल क्लैरिटी लो लाइट होने के बाद भी क्लैरिटी ठीक ठाक है, ज़्यादा ग्रेन्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन OnePlus 6 का जो फोटो है वो थोड़ा ब्राइट है। एंड लो लाइट में Asus Zenfone 5Z का मैं कहूँगा अच्छा फोटो निकला है, दोनों भी ठीक ठाक ही है। अगेन दोस्तों ये जो है ये उसी फोटो का HDR में निकाला हुआ है, और आप देखेंगे कि OnePlus 6 के फोटो में कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा है नॉर्मल और HDR में, लेकिन Zenfone 5Z ज्यादा ब्राइट हो गया है, स्पेशली आप ग्रीन वॉल्स वगैरह देखेंगे तो पहले डार्क थी और अभी वाइट हो गई है, और जिधर डार्कर एरियाज थे वो भी थोड़े ब्राइट हो गए, तो HDR मोड जो Zenfone 5Z का है डेफिनेटली अच्छा चलता है। और दोस्तों ये वाला है सेल्फी पोर्ट्रेट मोड, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता करना होता है, और दोनों भी फोटो अगर देखेंगे अच्छे हैं, लेकिन हर फोटो में मैंने एक चीज Zenfone 5Z में देखी है, थोड़ा ब्राइट होता है और एक रेडिश टिंज आती है, जो स्किन का जो टोन है वो आप OnePlus 6 में देखिए क्लोजर टू रियलिटी है, और इधर ज्यादा व्हाइटिश आया हुआ है, इट इज मोर टुवर्ड्स व्हाइट, और ये जो है ये ब्राउन या फिर आप वार्म बोल सकते हैं, जो एक्चुअल स्किन का कलर होता है वो OnePlus 6 ने प्रोड्यूस किया हुआ है। दूसरी बात दोस्तों, आप लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर मेरे बाल के इधर देखिए तो सॉफ्ट हो गया है फोटो सेल्फी का, मतलब बोके मोड जो है वो चलता तो है लेकिन बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए ऊपर के जो बाल है Zenfone 5Z के फोटो में लेफ्ट हैंड साइड ऊपर देखिए, उधर जो है ब्लर हो गए हैं, तो पीछे का बैकग्राउंड और फेस फोरग्राउंड में वो उसे ठीक तरह से पता नहीं चल रहा है, तो एज डिटेक्शन जो है Asus Zenfone 5Z में इतना अच्छा नहीं है। वो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, उधर भी OnePlus 6 भी किधर मार खाता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, पता नहीं चलता है नॉर्मल आइज को कि भाई ऊपर का जो, क्योंकि उधर भी आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े बाल सॉफ्ट है लेकिन Asus Zenfone 5Z के जितने नहीं। दोस्तों ये इंडोर में निकाला हुआ है, अगेन मैं दोनों भी सेम ही चीज़ है, इधर भी आप देखेंगे मेरा Asus Zenfone 5Z में फेस,
तो रेडिश टिंज है और सफेद आया हुआ है, वेयर इज वन प्लस सिक्स का जो कलर स्किन टोनिंग है वो नेचुरल आया हुआ है। और दोस्तों ये एक मैंने ऐड किया क्योंकि ये पोर्ट्रेट मोड ऑफ करके लिया हुआ फोटो है, तो अगर आप देखेंगे तो इधर जो Asus Zenfone 5Z का है वो अच्छा आया हुआ है, क्लैरिटी शार्पनेस वगैरह ज़्यादा अच्छी है मुझे लगता है वन प्लस सिक्स से। लेकिन अगेन जो कलर टोनिंग है, स्किन टोन जो है वो वाइटिश और रेडिश टिंज मुझे दिख रही है उतना ही, लेकिन अगर शार्पनेस देखेंगे ओवरऑल पीछे का जो बैकग्राउंड वगैरह देखेंगे शार्प अच्छी तरह से आया हुआ है, पोर्ट्रेट मोड ऑफ है इसलिए सभी कुछ शार्प में है। और दोस्तों ये है रेयर कैमरा का पोर्ट्रेट मोड, एंड वंस अगेन इधर भी मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर आप Zenfone 5Z का देखेंगे तो ब्लर अच्छा आया हुआ है, एज डिटेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है। अगेन वही लेफ्ट हैंड साइड ऊपर मेरे बालों के पास देखेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट आया हुआ है, वन प्लस सिक्स में भी सॉफ्ट आया हुआ है उसी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे, बट ओवरऑल मुझे लगता है वन प्लस सिक्स क्लोजर टू रियलिटी दिखता है। ये जो बोके मोड है जरा ज्यादा ही ब्लर हो गया है ऐसे मुझे लग रहा है, प्लस व्हाइटिश एक टिंज लग रही है पूरे फोटो में। आप मेरे शर्ट के पास देखिए तो वन प्लस सिक्स का जो वो क्लोजर टू रियलिटी दिख रहा है, वेयर एज मुझे जो 5Z का शर्ट का जो कलर है वो थोड़ा लाइट कलर लग रहा है। तो अगेन फोटोज आर ग्रेट दोनों में, लेकिन कलर इश्यूज Zenfone 5Z में जरूर है, साथ में एज डिटेक्शन का भी थोड़ा इशू है। और एक बात दोस्तों, ऊपर आप मेरे सर के ऊपर राइट हैंड साइड पे देखिए तो Asus Zenfone 5Z में वॉश आउट हो गया है व्हाइट कलर, जैसे मैंने पहले नॉर्मल फोटोज में भी कहा था कि ये जो व्हाइट जब भी कोई ब्राइट चीज आती है तो कंप्लीट वॉश आउट हो जाती है। वन प्लस सिक्स में आप लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर देखिए, उधर AC दिख रहा है, खिड़की दिख रही है, वॉल्स दिख रहे हैं, उधर डिटेल्स भी दिख रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा कि पोर्ट्रेट मोड में वन प्लस सिक्स बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और ये है लो लाइट में इंडोर खींचा हुआ फोटो, एंड सिमिलर पैटर्न दिखता है दोस्तों। इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए पीछे की वॉल डिटेल्स दिख रहे हैं, और राइट हैंड साइड में आप वो कप देखेंगे, उसका एज देखेंगे, उसके बाजू भी देखेंगे तो थोड़ा वॉश आउट, थोड़ा व्हाइटिश लग रहा है। येलो कलर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वन प्लस सिक्स में आपको क्लियरली अच्छा येलो कलर जो क्लोजर टू रियलिटी है वो दिख रहा है, इधर अगेन वॉश आउट हुआ है, वाइट हो गया है। शायद मुझे लगता है कि अपडेट में ये ठीक हो जाए, नेक्स्ट अपडेट में ऑलरेडी एक अपडेट आ गया है, अगले अपडेट में शायद कैमरा और भी अच्छा परफॉर्म करे तो ठीक ठाक है। इसमें दूसरी बात भी देखने को मिलेगी और वो है इमेज थोड़ी सॉफ्ट आई है Asus Zenfone 5Z की, और ये लो लाइट क्लोजअप लिया हुआ है, अगेन द सेम थिंग, व्हाइटिश ज्यादा है, सॉफ्ट इमेज है। आप ऑफिशियल टी बॉल यूएसए उसके पीछे देखिए जो टेक्सचर है बॉल का वो आपको वन प्लस सिक्स में दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर वॉश आउट हो गया है। दोस्तों ये है मैक्रो शॉट क्लोजअप में लेके खींच रहा हूँ और दोनों भी बहुत अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन पहले एक ग्रीनरी का जो फोटो है इसमें भी ग्रीन कलर जो है डेपिक्ट वन प्लस सिक्स अलग करता है और 5Z अलग करता है। 5Z थोड़ा डार्क ग्रीन है और वन प्लस सिक्स थोड़ा लाइट ग्रीन है, बट शार्पनेस वगैरह अगर देखा गया दोनों में अच्छा है। दोस्तों इस फोटो में भी देखिए इसमें भी सेम है, जो 5Z है वो ज्यादा व्हाइटिश की तरफ है, वेयर एज वन प्लस सिक्स इज क्लोज टू ओरिजिनल। दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा था Asus Zenfone 5Z का जो HDR मोड है वो बहुत अच्छी तरह से चलता है। आप लेफ्ट हैंड साइड में जिधर से लाइट आ रहा है उधर देखिए, ऊपर का जो है नॉर्मल निकाला हुआ है, नीचे का जो है HDR है। आप फ्लोर देखेंगे तो क्लियरली HDR मोड ऑन करने के बाद ठीक तरह से आई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके पास Zenfone 5Z है तो आउटडोर्स फोटो ज्यादा करके आप HDR में निकालिए। Asus Zenfone 5Z का एक अच्छा फीचर है वाइड एंगल फीचर। आप देखिए नॉर्मल फोटो देखिए और वाइड एंगल देखिए कितना ज्यादा वाइड एंगल होता है। इसका मतलब जब आप लैंडस्केप फोटोज निकालेंगे तो ये जो वाइड एंगल फीचर है बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये एक बड़ा फीचर Zenfone 5Z के कैमरा में आता है। चलिए दोस्तों तो देखते हैं अब वीडियो दोनों में से, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो है वन प्लस, राइट वाला जो है वो है Asus Zenfone 5Z। आवाज़ भी जो है ऑडियो वो सीधा कैमरा से आ रही है, अनएडिटेड साउंड है। चलिए दोस्तों ये है फ्रंट कैमरा का वीडियो, जी हाँ आप देख सकते हैं जो राइट हैंड वाला है वो है Asus Zenfone 5Z और जो लेफ्ट हैंड में है वो है वन प्लस सिक्स। डिफरेंस आप ही बताइए। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन और मेरा वर्डिट क्या है, वन प्लस सिक्स का कैमरा पोर्ट्रेट मोड बढ़िया है एंड इट बीट्स Asus Zenfone 5Z। लेकिन Asus Zenfone 5Z के दो तीन
फीचर्स बहुत अच्छे हैं, HDR मोड उसका बहुत अच्छा चलता है, प्लस जो वाइड एंगल फीचर है वो भी बहुत अच्छा है, स्पेशली लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए। तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि Asus Zenfone 5Z का कैमरा खराब है, अच्छा है, लेकिन OnePlus 6 को बीट नहीं करता है। OnePlus 6 डेफिनेटली इज द विनर, दिस इज गुड विथ सम ग्रेट फीचर्स एंड फॉर प्राइस आई थिंक इट इज रियली ग्रेट बट डज नॉट बीट OnePlus 6। जी हाँ, तो यही था वर्डिक्ट मेरा। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि भाई आप कौन सा प्रीफर करेंगे, ये या ये। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है फोटोज के वर्डिक्ट देने में, या जब मैं बता रहा था फोटोज के बारे में, तो वो भी जरूर बताइएगा। हमें अच्छा लगता है आप अप्रिशिएट करते हो, हमें ये भी अच्छा लगता है कि आप क्रिटिसाइज करते हो, क्योंकि फिर हम इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।